हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में अपन रिवीट आर्किटेक्चर में कंपोनेंट को पढ़ेंगे, जिसमें अपन ज्योमेट्री जैसे रेक्टेंगल और सर्कल इनका यूज़ करके 2D ऑब्जेक्ट को अपन कैसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वॉल और विंडो इन सबको कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए अपन आर्किटेक्चर में जाके कंपोनेंट जो होता है इसमें जाके प्लेस अ कंपोनेंट और मॉडल इन अ प्लेस को करेंगे। पहले अपन पहले सा कंपोनेंट को देखेंगे, जिसके अंदर अपन वॉल और डोर इन सबको कैसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपन मटेरियल चेंज करना हो, मटेरियल कलर क्या क्या अपन उसमें कर सकते हैं, वो सब अपन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसमें अपन 2D और 3D दोनों में चेंजेस कर सकते हैं, डोर और विंडो में। उसके बाद अपन मॉडल इन अ प्लेस को कवर करेंगे, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको रूफ़ का पूरा बता दिया, कवर करवा दिया था मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अपन सबसे पहले डोर को देखेंगे। डोर को देखने के लिए सबसे पहले मैं एक वॉल ले लेता हूँ WA प्रेस करके। ये मैंने एक वॉल ले ली है, इसके बाद इसमें एक डोल लगाऊंगा। डोल लगाने के लिए शॉर्ट की होती है DR, DR प्रेस करेंगे तो अपन डोल लग जाएंगे। इसमें अपन देखेंगे जो रेबिट है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर इसके खुद के डोर होते हैं जो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड रहते हैं। अभी मैं एक ही सिंगल फ्लश डोल लेता हूँ। अगर अपन को डोर बनाना है तो एडिट टाइप में जाके अपन डुप्लीकेट करके इसके अपन को जितने बार जितने का डोर बनाना है, मटेरियल जो चेंज करना है वो अपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने के लिए डोर लेता हूँ, इस पर मैं प्लेस कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे जो डोर आया है कुछ एंगल पे रोटेट है। अभी मैं आपको बताऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया 2D में भी चेंज कर सकते हैं, 3D में भी मैंने इस पर वर्क करा है इसलिए ये रोटेट है। इस पर मैं एक बार सिंगल टेप करूँगा एडिट करने के लिए। इसके लिए अपन एडिट फैमिली में जाएंगे या इस पर डबल टेप करके भी अंदर आ सकते हैं। एडिट फैमिली में आने के बाद अपन देखेंगे इस टाइप का अपने पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये डोर है, ये इसका एलिवेशन अपन को शो हो रहा है, जिसमें जो ये एलिवेशन बना होगा, जो डिज़ाइन बने, इसको एडिट करने के लिए इस पर भी अपन डबल टेप करेंगे तो अंदर आ जाएंगे। अभी मैं एडिट एक्सट्रूजन में जाऊंगा, इसके अंदर जाके भी अपन एडिट कर सकते हैं। अब मुझे अगर ये जो इसमें जो एलिमेंट बना है इसी को मैं अगर एक और डिज़ाइन दे देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसे, उसे इस जगह पे प्लेस करता हूँ। उसे प्लेस करने के बाद इसकी अगर मुझे थिकनेस चेंज करनी है तो एक्सट्रूजन एंड, इसमें अपने पास एक ऑप्शन होता है, इसमें अगर मैं 2 इंच डाल दूंगा तो ये 2 इंच का बन जाएगा। इस तरीके से अपन इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है इस जगह भी, तो अपन यहाँ कुछ ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलग से अपन को थिकनेस डालनी है तो इसकी थिकनेस भी अपन डाल सकते हैं। अभी मैं इसका आपको 3D बताता हूँ कि ये एक्चुअली में कैसा दिख रहा है। कि राइट क्लिक करूँगा मैं, फिर लोड इनटू प्रोजेक्ट करूँगा, फिर इसके बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास आता है तो ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन पे आप टेप कर देना। उसके बाद मैं इसके 3D में आता हूँ। 3D में आने के बाद इसका आप देख सकते हैं इस तरीके का ये डोर बना है। ये अगर इसका अपन को मटेरियल चेंज करना है तो अपन मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। एडिट टाइप में जाएंगे, इसमें जो डोर मटेरियल है वो मैंने ग्लास का चूज़ करके रखा, जो मैंने लास्ट मैंने यूज़ करा था तो इसलिए इसमें ग्लास लगा हुआ है, इसलिए मैं इस पर टेप करके एडिट में जाऊंगा। अगर मुझे इसका मटेरियल चेंज करना है तो मटेरियल यहाँ पर आप देखेंगे डोर है, तो अगर मुझे मटेरियल चेंज करना है इस पर टेप करके मटेरियल चेंज कर सकता हूँ। इसे अगर मुझे मीटर लगना है तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, और मैंने ये भी आपको बताया यहाँ भी अपन जाकर अपन अपना मटेरियल बना सकते हैं। मटेरियल में चेंज करूँगा, फिर उसके बाद अपन को डोर फ्रेम, अगर डोर फ्रेम का मटेरियल चेंज करना है तो अपन डोर फ्रेम का भी यहाँ के मटेरियल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपन को थिकनेस कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, इसमें ज़्यादातर अपन चेंजेस करते हैं थिकनेस में, हाइट में और विड्थ में। मोस्टली अपन लेते हैं 7 फिट का लिंटल। अभी मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करूँगा तो ये अभी कितने का है, 3 फिट का। अगर मैं इसे 4 फिट का करूँगा तो आप नीचे देखना ये चेंज हो जाएगा, ये 4 फिट करूँगा इंटर। उसके बाद अप्लाई, ये
यहाँ पर ये चेंजेस हो गए हैं, इस तरीके से ये चेंज हो गया है मेरा डोर। अब देखिए मैंने मेटल का मटेरियल लगाया था, मेटल का मटेरियल हो गया, इसकी विड्थ चेंज हो गई है। इस तरीके से अपन डोर को एडिट कर सकते हैं, और इसका अपन को डोर बनाना है तो वो भी अपन डोर बना सकते हैं। DR प्रेस करेंगे अपन, एडिट में जाएंगे, फिर इसका डुप्लीकेट करेंगे, अपन को जो नाम देना हो डोर का नाम देंगे और ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ के अपन इसका अपन चेंजेस कर सकते हैं, जितने अपन को जो जो मटेरियल रखना है, थिकनेस रखनी है, विड्थ रखनी है, वो इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको बता दिया था कि अपन कैसे चेंजेस कर सकते हैं मटेरियल इंट्रोडक्शन की वीडियो में। तभी अपन आगे का देखते हैं। अगर मुझे इसमें अगर विंडो लगानी है, विंडो लगानी है तो विंडो लगाने के लिए मैं फिर 2D में जाऊँगा, प्लिंथ लेवल पे। हाँ, उसके बाद फिर मैं आपको अभी पहले इसका 2D भी बता देता हूँ डोर का, 2D को देखने के लिए। फिर उसके बाद वापस मैं एडिट फैमिली में जाऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा फ्लोर प्लान का, इसको अगर मैं टेप कर दूँगा, अगर आपके पास ऑन नहीं हो तो इस प्लस वाला आइकन पे टेप करना, और इसके बाद आपके पास ये आएगा ग्राउंड फ्लोर का ऑप्शन, इस पर ग्राउंड फ्लोर पर अपन टेप करेंगे तो अपने पास कुछ इस टाइप का इसका 2D आ जाएगा। अगर मुझे इसको चेंज करना, अभी मैंने इसको ऑलरेडी मैंने वर्क करा था तो मैंने चेंज करके रखा था रोटेट। अगर मुझे इसको ना फिर से 90 डिग्री पे करना है तो मैं RO प्रेस करूँगा, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं अपन, जहाँ से अपन चाहें रोटेट करना मॉडिफाइड टूल बार में, उसकी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, सब मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अपन को मॉडिफाई करना है डोर को ऐसे मॉडिफाई अपन कर सकते हैं। अब मैं इसे लोड इनटू प्रोजेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे इस तरीके से 90 एंगल पे रोटेट हो गया। फिर इसके बाद अगर मुझे इसको वापस से रोटेट करना है तो अपन वापस से इसके एडिट ग्रुप में जाके इसको सिलेक्ट करके 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से अपन डोर को प्लेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब मैं आपको विंडो बताता हूँ, विंडो के लिए अपन आर्किटेक्चर में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ विंडो रहेंगी, इसमें ही अगर जाएंगे अपन तो रेविट में ऑलरेडी इसकी खुद की एक लाइब्रेरी होती है, तो विंडो बनी हुई है। अगर अपन एक फिक्स ग्लास की एक विंडो ले लेते हैं, इस पर टेप करता हूँ मैं, इसमें अगर अपन को एडिट करना है ऐसे भी एडिट कर सकते हैं, अपन मटेरियल लगा सकते हैं डुप्लीकेट करके, किसी लाइट ये सब अपन देख सकते हैं। 3 फीट अपन से लाइट लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक विंडो लगा देता हूँ, अगर मैं इसके 3D में आता हूँ, एक बार अपन 3D चेक कर लेते हैं कैसे विंडो है। इस तरीके से ये विंडो आई है, इस पर एक बार मैं टेप करता हूँ, अगर मुझे इसका मटेरियल चेंज करना है तो मटेरियल भी चेंज कर सकता हूँ, जब मैंने अंदर ग्लास इसका लगा कर रखा है। मैं वापस से मेरे को अगर मेटल करना है तो मेटल में कर सकता हूँ, इसमें मेटल करेंगे अपन। और जो इसका जो फ्रेम का मटेरियल, वो सेज है, सेज एक टाइप का वुड का टाइप का मटेरियल होता है, वो लगा हुआ है इसमें। अगर मैं भी इसमें वापस से मेटल लगाता हूँ, इसमें भी मीटर लग जाएगा। और इसके अपन को विड्थ चेंज करनी है, विड्थ चेंज कर सकते हैं अपन, सिल हाइट ये सब अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मीटर का भी 1 फिट 4 इंच है, इसको मुझे अगर 4 फिट करना है तो 4 फिट की ये विंडो हो जाएगी। अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरी विंडो बन गई है, और ये पूरी मीटर की हो गई है। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। फिर मैं प्लिंथ में जाऊंगा, यहाँ देखिए, यहाँ पहले विंडो का साइज छोटा था, अब ये बड़ी विंडो हो गई है। इस तरीके से अपन कंपोनेंट में आगे पे एडिट कर सकते हैं डोर विंडो। इसके बाद जो मेन चीज़ है मॉडल इन अ प्लेस में, वो आपको मैं बताता हूँ, जिसमें अपन 2D को कैसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि जैसे अपन ने एक रेक्टेंगल लिया, 2D अपन ने रेक्टेंगल लिया और उसे अपन को
3D में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। सबसे पहले सब मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अपन कंपोनेंट में जाते हैं। कंपोनेंट में जाने के बाद मॉडल इन अ प्लेस पे टैप करूँगा मैं। फिर उसके बाद अपने पास इस टाइप का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें अपन डोर एडिट कर सकते हैं। अभी अपन जो वर्क करेंगे वो अपन जेनरिक में वर्क करेंगे। इसमें अपन अपने से डोर को अपन ने बनाया या फिर कोई भी अपन ने चीज़ बनाई, फ्लोर बनाया अपन ने, उसका अपन अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन सीखते हैं जिसमें जेनरिक मॉडल्स होते हैं जो अपन को रेंडम, अभी अपन सीखने के लिए अपन समझते हैं वैसे पहले वो होगा कैसे। आगे मैं आपको बताऊंगा रेलिंग भी कैसे बनाएंगे कंपोनेंट का यूज़ करके, फ्लोर कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं एक बार किसी को भी एक बार सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से जी को प्रेस करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपना जेनरिक मॉडल। फिर ओके प्रेस करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ आने का स्पेसिफिक नाम पूछता है, अपन नेम इस पर डाल सकते हैं जब अपन ऑफिशियली कुछ भी चीज़ बनाएंगे। अभी मैं ओके प्रेस करता हूँ। फिर उसके बाद अपने पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस अपन के पास आ जाएगा जिसमें अपन को वर्क करना है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन पे मैं टैप करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करता है एक स्पेसिफिक हाइट पे। हाइट अपन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे अभी मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये रेक्टेंगल, कुछ इस तरीके का मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। फिर उसके बाद में इसकी अगर मेरे को जितनी हाइट रखनी है उसकी हाइट रख सकता हूँ। अभी इसकी है 3 फिट। अगर मैं इसे 6 इंची कर देता हूँ तो ये 6 इंची पे बनेगा। अभी मैं इसके 4 इंच करके आपको बताता हूँ। राइट टैप करेंगे अब यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन होता है ये ग्रीन राइट से टिक होता है फिनिश एडिट मोड पे टैप करूँगा मैं। अब इसके 3D में जाके अपन देख लेंगे फिनिश मॉडल करके। मैं इसके 3D में जाऊँगा तो अपन को इस तरीके से ये अपना एक रेक्टेंगल, जैसे मैंने आपको बताया 2D, अपन ने एक 2D रेक्टेंगल बनाया उसे एक 3D में कन्वर्ट कर दिया। एक स्पेसिफिक हाइट भी दे दी। हाइट अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़। अगर मैं इसे बोलूँ कि अगर मैं ये अभी तो ये बना, ऐसे मैं टेबल भी बना सकता हूँ। टेबल बनाने के लिए कैसे यूज़ होगा उसे भी मैं आपको बताता हूँ। इस पर एक बार टेप करेंगे या तो अपन सिंगल टेप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एडिट इन अ प्लेस, इसमें जाके भी एडिट हो सकता है। इस पर डबल टेप करेंगे तो अपन वही ऑप्शन में अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा क्रिएट, मैं क्रिएट पे टेप करूँगा। फिर उसके बाद मुझे आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन होगा सेट अ प्लेन, जिस पर अपन एक प्लेन सेट कर सकते हैं। जिस पर अपन प्लेन सेट करेंगे जिस सरफेस पे वो बनाना अपन को टेबल, तो उसके एलिमेंट भी लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को सेट अ प्लेन करना रहता है ग्रुप के अंदर आके। यहाँ का ऑप्शन अपने बाद डबल टेप करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है। मैं सबसे पहले अपन सेट करेंगे। सेट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ अपन को बस सिंपली कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें आके पिकअप प्लेन पे टेप करना है। उसके बाद ओके प्रेस करूँगा मैं। अब मुझे जहाँ भी का फेस पे बनाना है एडिट करना है वो फेस को सिलेक्ट, अगर मेरे को यहाँ इस फेस को एडिट करना है तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा। पर मुझे टॉप पे करना है टॉप पे करूँगा, अगर मुझे नीचे करना है बॉटम पे तो बॉटम पे भी कर सकता हूँ मैं इस तरीके से। अभी मैं आपको बताता हूँ, अपन जैसे जैसे टेबल बनाते हैं तो नीचे उसके एलिमेंट होते हैं जो बनने होते हैं, पर मैं इसे आपको बताता हूँ ऊपर भी अगर बना सकते हैं तो उसे भी अपन नीचे कर सकते हैं। ये मैंने प्लेन सेट कर दिया है। इसके बाद अपन इस पर एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए वापस से मैं, क्योंकि अपन एक्सट्रूजन में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन ऑन रहेगा जब तक अपन ये फिनिश मॉडल नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक्सट्रूजन पे जाऊंगा। फिर मैं कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल लूँगा। अभी मेरे को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर मैं एडिट कर रहा हूँ, सही प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसके टॉप पे जाऊँगा। अभी मैं आपको एक तरीके से बनाना बता रहा हूँ कि अपन कैसे एक मतलब इंटीरियर में वर्क करते हैं। अपन को टेबल बनाना पड़ती है वो अपन कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं एक ये साइज का मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अभी मुझे इसके डायमेंशन नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे। इसको करने के लिए मैं एक लाइन लेता हूँ, इसके सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अपन को डायमेंशन पता चल जाए कि डायमेंशन कितनी डिस्टेंस पे। अगर मैं इस पर टेप करूँगा अपने डिस्टेंस पता चल जाएगी कि
कितनी डिस्टेंस पे कितनी दूर है। अगर मुझे इसका 1 इंच रखना है पास, मैं 1 इंच कर देता हूँ इसे, और फिर यहाँ से भी मैं इसे 1 इंच दूर रखना है मुझे, बस 1 इंच दूर रखूँगा। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है, इसकी कितनी विड्थ रखना है वो मैं रख सकता हूँ। जैसे मैं इसे रखूँगा 4 इंच का, इस तरीके से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। इसे अब मुझे इसकी जो रेफरेंस के लिए अपने लाइन ली है, इसे अपन डिलीट कर देंगे। तो इसके बाद अभी अपने एक्सट्रूजन एंड आप देखेंगे इस पर 4 इंची। अगर मैं इसे इसका 3D देखूँगा तो ये 4 इंची पे ये दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ 3D भी, एक बार आप देख लीजिए, ये लाइन एक और रह गई है जब तक। एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखना है अपन को, अगर लाइन ओवरलैप हो रही है या अपना 2G ऑब्जेक्ट होलो है तो ये एक्सट्रूजन जो है वर्क नहीं करेगा। अभी देखिए लाइन इस पे ओवरलैप हो रही थी तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था। अब राइट क्लिक करूँगा मैं, अपन इसका 3D देखेंगे कैसा बना है। ये इस तरीके से ये वर्क करेगा। अब इसे वापस एडिट करना है, मैं इसमें जाऊँगा, सिलेक्ट करा मैंने, डबल टेप करके मैं अंदर आया। जैसे मैंने आपको बताया, डबल टेप करके भी अपन आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसे मिरर कर दूँगा, ये तो मुझे मिरर ही चाहिए। इक्वल डिस्टेंस, ये भी मैंने मॉडिफाई टूल में सब मॉडिफाई टूल बता दिए हैं मैंने। जिसने वीडियो नहीं देखी, मैं वीडियो मेरी बनी हुई है, वॉच कर सकते हैं मॉडिफाई टूल बार। अब जैसे इसकी हाइट रहती है 3 फीट, अपन इसको अपन कर देते हैं 3 फीट, 3 फीट इंटर। फिर उसके बाद राइट टैप करूँगा मैं, अपन फिनिश मॉडल कर देते हैं, मॉडल के बाहर अपन आएंगे। वो अपन इसका तो ये तो टॉप व्यू दिख रहा है, अभी 3D में आप देखेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने टेबल बना दी है। अब ये ऐसे अपन रखना है तो ये ऊपर देखेंगे, ये बॉटम है और ये अपना फ्रंट है। पर अपन ने क्या करा था, जो सेट जहाँ प्लेन सेट करते हैं वहीं पर ही जो अपन मॉडिफाई करेंगे 3D ऑब्जेक्ट को अपना, वहीं पे ही एलिमेंट बनेगा। पर अगर अपन गलती से बना भी देते हैं, पहले तो अपन को सिलेक्ट करना था बॉटम पे जैसे मैंने आपको बताया था, अगर अपन गलती से बना भी देते हैं तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसके लिए मैं इसको वापस से डबल टेप करूँगा, इस पर सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे अगर इन जो मैंने एलिमेंट बना है इसको अगर मुझे बॉटम में लेके जाना है तो कैसे ले जा सकता हूँ, इसके लिए मैं एडिट वर्कअप प्लेन में जाऊँगा। यहाँ आने पर सिंपली अपन को कुछ चेंजेस नहीं करना है, पिकअप प्लेन करना है और ओके प्रेस कर देना है। उसका जहाँ मुझे ये एलिमेंट लगाने हैं तो वहाँ में जैसे ये बॉटम पे लगाना, मुझे यह एक ब्लू लाइन से हाईलाइट होगा, पे टेप करूँगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरा नीचे आ गया है एलिमेंट। तरीके से मेरी ये एक टेबल बन गई है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे मैंने बनाई है ये। उसके अपन को मटेरियल चेंज करना है तो अपन मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं एडिट में जाके। ये यहाँ अपन मटेरियल चेंज कर सकते हैं, जो अपन ने को मटेरियल लगाना है। अभी मैं आपको बता मटेरियल का, तो मैंने आपको बाहर वीडियो में बता दिया है कि मटेरियल कैसे चेंज होते हैं, वो तो आप कि उससे भी आप कर लेंगे। अगर आप मुझे प्लेन लेवल पर आता हूँ, अगर मुझे एक कर्व में भी एक बनानी है तो मैं कैसे बनाऊँगा, वापस मैं आपको जल्दी जल्दी अब स्टेप करके बताता हूँ। अगर हर चीज़ में अगर आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब उसके बाद मैं एक्सट्रूजन पे जाऊंगा, जैसे अब मुझे इस पे बनानी है, पे टेप करूंगा, राइट क्लिक। अब 3D में जाके एक बार अपन देख लेते हैं, ये खुद ऑलरेडी इसमें थिकनेस जो अपन ने डाल के रखी थी 4 इंच की वो आ गई है। उसको एक बार टेप करूंगा, क्रिएट में जाऊंगा, क्रिएट में आने के बाद सेटअप लेन, पिकअप लेन,
अब अपन इसका बॉटम ही लेते हैं। बॉटम ले लिया है अपन ने, तो उसके बाद अपन एक्सट्रूजन में जाके एक सर्कल लेंगे, इसका बॉटम करेंगे अपन। अपन को बॉटम में करना है, इसके लिए एक लाइन ले लेता हूँ मैं रेफरेंस के लिए। अपन को सेंटर पे बने, फिर जो मैंने बताया ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बनेगा। इसकी हाइट अपन को 4 इंची आ रही है, इसे अपन को, अगर ये 4 इंची भी है तो अपन वहाँ भी चेंज कर सकते हैं 3D में। फिनिश मोड कर देता हूँ, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको, आप देखेंगे ये इसका टॉप हो गया, ये देखा आपको ये टॉप, और नीचे अपन ने जो एलिमेंट बनाया वो है। अगर मुझे इसे भी एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड में यहाँ से भी कर सकता हूँ इस तरीके से। और अगर इसी को करना है अपन को, तो इसको सिलेक्ट करेंगे एक बार डबल टैप करके, अंदर आने के बाद तरीके से अपन को जितनी इसकी हाइट रखनी है, इस तरीके से अपनी एक टेबल टॉप बन गई है। अगर मुझे इसका मटेरियल भी चेंज करना है तो मैं मटेरियल भी चेंज कर सकता हूँ, डबल टैप करने के बाद। इसमें अगर मुझे इसे ग्लास करना है, आपको समझ आए, अगर ग्लास करना है तो ग्लास में आके अगर ये इस तरीके से ये इसमें ये चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे कर्व में रेक्टेंगल बनाना, जो इसके एजेस होते हैं, अभी ये देखिए इसके एज शार्प है, अगर मुझे कर्व में बनाना था मैं कर्व में भी बना सकता हूँ। इसके लिए मैं वापस से उसमें जाऊँगा आर्किटेक्चर में, और कंपोनेंट ले लेता हूँ फास्ट जल्दी से। प्रोसेस तो आप लोगों को मैंने बता दी है क्या करना है आप लोगों को। उसका यहाँ आने के बाद जो मेन चीज़ है, रेक्टेंगल लिया अपन, आप देखेंगे यहाँ मैंने रेडियस का ऑप्शन होता है, अगर यहाँ देखेंगे डेप्थ भी अपन दे सकते हैं, जो डेप्थ अपन रखनी है उसकी 2 इंच रखना है, 4 इंच जितना रखना है उतना अपन रखते हैं, ये तो सब में कॉमन है। पर इसमें अगर रेडियस के लिए, अगर भी अपन शार्प एजेस हो रहे थे, अगर रेडियस 2 फिट ऑलरेडी डला हुआ, जैसे अभी 2 फिट के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बना के बता सकता हूँ, एक बड़ी मैंने एक ली, तो आप देखेंगे इस तरीके की काउंटर टेबल अपनी बन गई है। ये इसकी डेप्थ हो गई है। अब इसको वापस से मेरे को एडिट करना है, तो फिर क्रिएट में जाके प्लेन में सेट कर दूंगा। अभी मैं इजी वे बता रहा हूँ, और अपन इसके और भी तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं अभी, तो जो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी आप समझिए कि मैंने अपन सीख क्या रहा है। बॉटम में आने के बाद फिर वही प्रोसेस, इसके सेंटर से लाइन ले लेता हूँ मैं सर्कल बनाने के लिए। फिर मैं सर्कल वाली बना के बताता हूँ आपको, इसको मैंने 4 इंच जगह 3 फिट इसकी हाइट कर दी है। कुछ नहीं है, राइट क्लिक करके 3D देखेंगे अपन, ये इसमें चेंजेस हो गए हैं। इस तरीके की टेबल बन गई है। फिर इसमें जाके अगर मेरे को मटेरियल चेंज करना है, यहीं के यहीं अभी बाहर से प्रेस करते हैं तो अपन 2 बार प्रेस करते हैं। अभी मैं अंदर ही था ब्लॉक में, तो मैंने एक बार टेप करा, ये मटेरियल आ ग्लास की मैंने बना दी। इस तरीके से एक्सट्रूजन वर्क करता है, मैंने एक्सट्रूजन आपको बता दिया। इस तरीके से अपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपने इंटीरियर में, जहाँ भी अपन वर्क करेंगे, क्योंकि ये रिवेट पूरा वर्क करता है, 2D भी बनाता है, उसके साथ साथ में 3D भी बनाता है, तो इंटीरियर पे ही वर्क होता है, उसमें ये काम आएगा, अपना यूज़ होगा, एलिवेशन बनाने में भी काम आएगा, ये भी अपन आगे देखेंगे। अभी अपन बेसिक्स पूरा समझेंगे कि होते क्या है, तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं आर्किटेक्चर में आके आपको बताता हूँ कंपोनेंट में, मैं वापस से। अब आगे अपन क्या देखेंगे आने के बाद, अभी अपन ने पढ़ा एक्सट्रूजन, उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड आप समझ सकते हैं, इसके आप फोटो से ही समझिए कि इसमें एक नीचे रेक्टेंगल बना हुआ, ऊपर सर्कल बना हुआ। एक नीचे का ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है, जैसे इसमें वीडियो में आपको शो रहा होगा, और ऊपर का एक सर्कल छोटा है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाता है ये इसमें। इसके लिए फिर मैं ब्लेंड का यूज़ करूँगा, ब्लेंड पे टेप करूँगा,
इसके बाद यहाँ आने के बाद सबसे पहले अपन को समझना है, इसमें एक ऑप्शन होता है एडिट टॉप, और सबसे पहले अपन को एडिट जो इसका बेस है वो बनाना पड़ता है। अगर अपन इसका कुछ इस टाइप का शेप दें कि मुझे पहले रेक्टेंगल बनाना है, पहले तो लेंथ में आके कुछ इस तरीके का मैंने एक शेप लिया है। फिर उसके बाद यहाँ अगर अपन को वही सब जिसकी डेप कितनी रखनी है, 1 फीट है, इसको मैं कर देता हूँ 4 इंची, 4 इंची अब इसके डेप का बनेगा। ऑफसेट भी ले सकते हैं, रेडियस भी मैंने आपको बताया अभी, रेडियस भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपन एडिट टॉप में आकर, अब इसके टॉप टॉप उसका कैसा दिखेगा, अगर टॉप में इसका रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ तो मुझे इससे बड़ा चाहिए शेप तो मैं बड़ा लेऊँगा, अगर मुझे इसके छोटा चाहिए छोटा लेता हूँ मैं, अगर मुझे इसके सेंटर में प्लेस करना है तो MV प्रेस करके इस तरीके से अपन यहाँ कहीं प्लेस कर सकते हैं, इसे रेफरेंस लेके इस तरीके से अपन प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद खाली जगह पे टेप करूँगा, इसकी जो नीचे की हाइट है वो अगर अपन को कितनी देना है, 4 इंची ऊपर बनाना है या कितना करना है, 4 फिट कर देता हूँ मैं, एंटर करूँगा, राइट फिनिश मोड पे जाऊँगा। अगर आप देखेंगे, अगर मैं अभी आपको 3D में जाके अगर दिखाता हूँ, इस तरीके का ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि मैं नीचे का बड़ा ऑब्जेक्ट लिया फिर ऊपर मैंने छोटा ऑब्जेक्ट लिया था, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। अगर अपन को इसको एक्सटेंड भी करना है तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जितना अपन को एक्सटेंड करना है, हाइट देनी है, यहाँ के चेंजेस हो जाएंगे हाइट के सेकेंड एंड में और फर्स्ट एंड में जाके। मटेरियल भी इस तरीके डबल टेप करेंगे अपन, चेंज हो जाएगा, इस तरीके से वर्क करेगा। ऐसे ही अपन इसमें आकर ब्लेंड का यूज़ करके टेबल बना सकते हैं, कैसा अपन, मैं आपको आगे और बताऊंगा, अभी आप समझ गए होंगे आई होप कि ब्लेंड का यूज़ कैसे होगा। अभी मैं फिनिश मोड कर देता हूँ, उसके बाद अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अपना कंपोनेंट क्या है। अपन पढ़ेंगे रिवॉल्व, रिवॉल्व का बेसिकली यूज़ होता है एक तरीके से डिग्री पे ये वर्क करता है, जैसे कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है उसे वो 3D में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक्सिस के थ्रू ये वर्क करता है। इसमें सबसे पहले अपन को ये सिलेक्ट करना है रिवॉल्व में, यहाँ आप देखेंगे एक एक्सिस लाइन आती है, अगर मैं एक्सिस ले लेता हूँ, पहले मैंने एक्सिस लिया इस तरीके से, अब मुझे जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ इसके इसके नीचे, यहाँ से इसको अपने लाइन को क्रॉस नहीं करना, अगर ये ओवरलैप हो गया तो नहीं बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है। इसके लिए मैं जैसे यहाँ एक कोई सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आपको बताने के लिए, मैंने एक लाइन ली, ये लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके का, मैं एक कोई सा शेप बनाता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। अब ये जो आपको दिख रहा ऑब्जेक्ट, इसको 360 डिग्री रोटेट कर देगा, जिसको आपको मैं आपको दिखेगा इसके अंदर, मैं अगर आता हूँ 3D व्यू में, ये देखिए इस तरीके का आपको दिखेगा ये, इसे मैं आपको समझा, आप इसके एलिवेशन से समझ सकते हैं मैंने क्या बनाया था। आप देखिएगा किस तरीके से मैंने एक लाइन ली थी इधर में, और एक इस सीधे में एक लाइन थी, और बीच का जो स्पेस हो गई थी वो उसे होलो कर देगा ये अपने आप ऑटोमेटिक। इसके लिए मैं आपको वापस से बताता हूँ कि एडिट में गया ये इस तरीके से, इसके बीच में जो जो ये स्पेस आ रही है ना, इसके थ्रू ये इसको होलो कर देता है। एक ये ऑब्जेक्ट जो अपन ने फ्रंट से देख रहे हैं अपन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये राउंड घूम रहा है, और ये एक ऑब्जेक्ट ये लंबा सा जो एक और इसमें आ रहा है 3D में वो रहेगा, और बीच में ये इसके थ्रू ये स्पेस है ये होलो कर देता है, ये इसके रेफरेंस के थ्रू ये अंदर में रोटेट करा इसने, और बीच में जो स्पेस था उसके थ्रू उसने इसे होलो कर दिया है, इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर मैं इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो एक और ऑब्जेक्ट मैं आपको बना के बताता हूँ, तो फिनिश कर देता हूँ। जैसे तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आएगा कि कैसे वो वर्क करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर आगे आपको जैसे इंटीरियर में आप वर्क करोगे ना, और किचन डिज़ाइन करना है या अपन को कुछ भी एलिमेंट डिज़ाइन करना है ना,
तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाने वाला हूँ। इन्हीं सब टूल का यूज़ करके आपको मैं बताऊँगा कैसे वो बनेगा। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वर्क करेगा। आप गेस कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा होगा फ्रंट एलिवेशन से, और आपको समझ आ रहा हो तो। इसके अपन 3D में आएंगे, ये देखिए इस तरीके का शेप। डम्बल नहीं होता, मोटे मोटे बनाते होगे यार जिम में जाते होगे हैं, उस तरीके से ये बन गया। और जिसका राउंडिंग था ये होलो, बीच का होलो होगा यार, बीच में जो लाइन गई थी आप एलिवेशन देख सकते हैं। इसका अगर मैं फ्रंट व्यू करूँ तो आपको समझ आएगा इस तरीके से। बीच में एक लाइन थी जो ड्रॉ करी थी मैंने, उस सराउंडिंग एक पर्टिकल में लाइन थी, और जो उसके बाद जो खाली स्पेस थी वो बीच में से होलो कर देता है इस तरीके से। बीच में ऐसे ही अपन करके एक ज्योमेट्री बना सकते हैं। जो भी अपन को एलिमेंट बनाने होंगे उसका भी मैं यूज़ बताऊंगा आपको। अभी बस अपन पहले समझ लें कि वर्क करता कैसे, कौन कौन से अपने जो कंपोनेंट हैं वो कैसे वर्क करेंगे, कहाँ कहाँ जाके यूज़ होंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, और जो मैं भी आपको बता रहा हूँ आप नोट करते रहिए, क्योंकि इसके बाद आप अगर किचन बनाओगे, जैसे किचन में कंपोनेंट लगते हैं आप उसे बनाओगे, प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना, प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करोगे, रेलिंग डिज़ाइन कर सकते हैं अपन, और भी एलिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए पूरे टूल, ये इसलिए मैं आपको रिपीट बार बार कर रहा हूँ कि आप इसे नोट डाउन करना और इसे रिवाइज करते रहना। क्या अपन नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने सब चीज़ डिलीट कर दी थी, पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं वीडियो फालतू तो लंबा होगा 2 मिनट का, अब उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप लोगों से एक्सेस लेता हूँ, नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन बनाने के लिए, आपको बताने के लिए जल्दी से फटाक से। कुछ ये ऑब्जेक्ट बना था आपने देखा होगा इस तरीके का, जब ये अपन ने बनाया था। शेप अभी थोड़ा अलग हो सकता है, उसके बाद अपन यहाँ टेप करेंगे। तो आप यहाँ देखिए इसका एंगल रहता है, अगर अपन इसके एंगल को अगर मैं 270 करूँगा ना तो ये एडिट हो जाता है। अगर अपन को इस एंगल पे कुछ चीज़ें बनानी होंगी आप देखेंगे इस तरीके से ये एंगल में कट हो जाएगा। अगर इसके मुझे स्टार्ट एंगल जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वहाँ से कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ मैं प्रेस करूँगा तो इस जगह से कम हो रहा है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। इस तरीके से ये वर्क करेगा। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ये मैं बताना भूल गया था इसलिए मैंने वापस से बताया। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कंपोनेंट प्लेंथ में आऊँगा मैं, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट की बारे में अपन नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट में क्या यूज़ होगा। अभी अपन ने एक्सट्रूजन पढ़ा, ब्लेंड पढ़ाया और रिवॉल्व पढ़ा, अब अपन स्वीप को पढ़ेंगे। स्वीप आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने स्केचअप में फॉलो मी टूल का यूज़ करा हो तो उसमें एक अपन लाइन रहते हैं, और उसके अराउंड जो अपने रेफरेंस लाइन रहती है उसके अराउंड अपना एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैं इसमें भी अपन आपको यूज़ करके बताता हूँ, जैसे स्वीप को सिलेक्ट करा तो इसमें स्केचअप पाथ का एक ऑप्शन आएगा। इसको अगर अपन टेप करते हैं तो अपन को जो अपन पाथ बनाएंगे, जैसे ये बनाया मैंने, अब इसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा उसका अराउंड ये बन जाएगा, जिसमें यहाँ एक ये ऑब्जेक्ट दिया। इसके लिए सबसे पहले अपन राइट क्लिक करेंगे, फिर स्केचअप पाथ में जाएंगे। जैसे मैं पहले 3D में चला जाता हूँ, 3D में जाने के बाद 3D में आके ये बनता है। इसके स्केचअप पाथ में
एडिट प्रोफाइल को करेंगे। एडिट प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल अगर मैंने लिया ऐसा और राइट क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक लाइन ली थी उसके अराउंड ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। फिनिश मॉडल कर देता हूँ। अगर इसका अपन को मटेरियल चेंज करना है तो अपन मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। और इस पर डबल टैप करेंगे और यहाँ के ये मटेरियल का ऑप्शन आएगा, मटेरियल अपन चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे अगर इसी को चेंज करना है तो मैं डबल टैप करके इस ब्लॉक के अंदर आ गया हूँ। फिर उसके बाद इस पर डबल टैप करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका अपन जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे इंटीरियर करना है या किचन में कुछ वर्क करना है, जो भी मॉडलिंग का काम होगा वो अपन इसका यूज़ ही करके कर सकते हैं अपन कंपोनेंट का। अब जैसे अपन मॉडलिंग बनाते हैं अपन रूम की, या अपन को बनाना होता है रूम में, तब अपन उसे भी कैसे बना सकते हैं, इसका यूज़ करके ही बना सकते हैं अपन। इतनी अपन पाथ दे देंगे, या अपन जो डिज़ाइन देंगे जिस शेप में अपन को बनाना होगा उस शेप में ये बन जाएगा। ये इस तरीके से अब देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं शेप का कैसा यूज़ होता है। अभी अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि ये यूज़ कैसे होगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ रीलिंग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए अभी आपको ये बहुत समझना ज़रूरी था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये जो भी मैंने आपको बताया है अभी। अब अपन नेक्स्ट कंपोनेंट को पढ़ते हैं, जो अपन वॉइड को पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने अपन ने जो वर्क करा, अपन ये ऑब्जेक्ट को जैसे हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, प्लेन्थ में चले जाता हूँ। अब अपन नेक्स्ट कंपोनेंट को पढ़ने के लिए वापस से जाते हैं, उसमें एक अपन बना लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वॉइड पढ़ेंगे अपन। वॉइड को पढ़ने के लिए ना एक तरीके समझिए जो वो एक्सट्रूजन की तरह ही होता, पर एक्सट्रूजन कैसे वर्क करता है, अपन 2D ऑब्जेक्ट को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं कि वो 3D में बना के अपन को देता है, पर ये जो वॉइड वर्क करता है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट पे करता है। इसके लिए अपन पहले अपन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। वॉइड में भी ये पूरे उसी के ऑप्शन है, पर ये चार ऑप्शन है उसमें अपन कैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट में एडिट कर सकते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक्सट्रूजन का यूज़ करके। मैंने एक ये बनाया ऑब्जेक्ट, 3 फीट हाइट है, ठीक है चलेगा। अपन 3D में जाकर चेंज कर देंगे। फिनिश नहीं करा था मैंने, फिनिश करने के बाद 3D में आकर देखेंगे अपन। कुछ इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। अगर मैं इसे हाइट एक्सटेंड करनी है, इस तरीके से मेरी हाइट हो गई। अब वो कैसे वर्क करेगा, अब अपन को यहाँ से जाके वापस से जाने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना लिया है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही वर्क करेगा। यही अपन एक्सट्रूजन से बनाते थे, रेक्टेंगल लिया फिर उसे अपन को 3D में कन्वर्ट करके देता था सॉलिड में। अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अब अपन इस पर, अब मैं एक बार डबल टैप करूँगा तो ऐसा ऑप्शन आ जाता है। इसमें अपने आप ये एक ऑप्शन क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर अपने ये कंपोनेंट के टूल होते हैं। इसमें सबसे पहले अपन करेंगे वॉइड एक्सट्रूजन। अब इसमें अपन सबसे पहले जो इसमें आप देखेंगे सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, जो सरफेस है इसमें दो दो चार छः सरफेस जिस पे अपन को एडिट करना है, वहाँ पे अपन को प्लेन सेट करना होता है। इसके लिए सबसे पहले अपन सेट पे जाके प्लेन सेट करेंगे। इसके लिए वही नॉर्मल पिकअप प्लेन लेंगे और ओके करेंगे। अगर मैं इसका टॉप पे सेट करना है तो टॉप पे मैं सेट करूँगा, और जैसे अपन डक बनाते हैं अगर शो करना है तो ऐसे करके शो भी आ जाता है कि हाँ ये ऊपर बना है। अगर आप मुझे इस पे बनाना है इसका अपन टॉप यहाँ से बनाएंगे तो अपन को पता नहीं चलेगा अपन को कहाँ बनाना है इस पर होगा, इसलिए टॉप व्यू करेंगे अपन। और अपन को जैसे डक बनाना होता है, डक का भी अपन जैसे बना सकते हैं कोई भी अपन डिज़ाइन। मैं एक ये शेप लेता हूँ, इसको अपन को कितने नीचे तक रखना है, 3 फीट आ रहा है इसके अंदर, अपन इसमें 4 फीट कर देते हैं। तो 4 फीट तक ये होलो करके देगा मुझे। मैं राइट क्लिक करूँगा इस तरीके से। एक बार आप यहाँ फिनिश करने के से पहले आप स्क्रीन पे टेप करके आप देख सकते हैं कि कैसा बनना है। इस तरीके से अपन डक भी बनाते हैं। अगर इसे फिनिश मॉडल कर देता हूँ, अगर मुझे इसको एक्सटेंड भी नीचे तक भी करना है तो मैं यहाँ तक आऊँगा इसे लेके।
अब देखेंगे, क्योंकि वो मैंने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था, इसमें आई थिंक ये वाला इसी से होगा ना। हाँ इसी से होगा, ये बस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा एडिट करते टाइम, इसलिए इसका यूज़ करने के बजाय अपन यहाँ से, अपने को हाइट पता ही रहती है, यहाँ से अपन हाइट डालेंगे जो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट से वैसे ये वर्क करेगा, इस तरीके से ये होलो कर देगा। ये अपन को जहाँ भी सेट करना है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो पूरा फिनिश हो जाएगा ये, इस तरीके से ये अपन का ये मॉडल दिखेगा। अगर मैं इस पर वापस से डबल टैप करके अंदर आता हूँ, फिर क्रिएट में जाता हूँ, अगर मुझे यहाँ कुछ और डिज़ाइन बनानी है वो डिज़ाइन बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ और इसे होलो कर सकते हैं अपन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। डेटा प्लान करेंगे अपन वापस से, अब मुझे कहाँ करना है, इस फेस पे चाहिए, फ्रंट पे चाहिए, तो फ्रंट को सिलेक्ट करूँगा मैं। फिर उसके बाद मुझे अगर कुछ इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए इसमें, कुछ भी अपन शेप बना सकते हैं जो अपन को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। 4 फिट तक इसकी डेप्थ है, और मैं इसका राइट क्लिक देखूँगा, देखें इस तरीके से ये होल हो गया। अब मैं आपको एक स्लेब के थ्रू बना के बताता हूँ किस तरीके से अपन उसे एडिट कर सकते हैं, है ना। के लिए मैं सबसे पहले फिनिश करता हूँ, प्लिंथ में आने के बाद यहाँ एक में एक्सट्रूजन लूंगा, इस तरीके से मेरा एक ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर मुझे इसको भी अगर ऊपर प्लेस करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको, अगर रोटेट करना है रोटेट करके बनाएंगे, अभी मैंने इस सरफेस पे आपको बना के बताया। अगर मुझे इसको भी एडिट करना है या कोई डिज़ाइन बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, मैं इसके अंदर सिलेक्ट करूंगा, क्रिएट में जाऊंगा, वॉइड में जाके वॉइड एक्सट्रूजन जो अभी अपन कर रहे थे, उसके बाद यहाँ आके सेटअप प्लेन पिकअप प्लेन ओके। अब मैं अगर इसके इस सरफेस पे सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इस पे डिज़ाइन देनी है कुछ, तो मैं यहाँ आके आप देख सकते हैं इस तरीके की डिज़ाइन बनी है, क्योंकि मैं पिकअप प्लेन यहाँ का सिलेक्ट कर रहा था, और मैं वो जैसे वॉल पे भी कोई डिज़ाइन बनानी हो इस तरीके से मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। यहाँ मैंने प्लेन सिलेक्ट किया था, अगर मैं इसका फ्रंट वाला सिलेक्ट करता फ्रंट वाले पे बनता। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका मैंने एक यूज़ करके आपको जो बताया है, ऐसा अपन एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन को कोई दूसरा यूज़ करना है तो अपन वापस से इसमें डबल क्लिक करके जाके क्रिएट में जाके वॉइड में जाएंगे। अब ये वॉइड ब्लेंड का यूज़ करके भी अपन यूज़ कर सकते हैं, एक इस तरीके जैसे अपन ने ये पढ़ा था ब्लेंड का यूज़ के, पहले ऑब्जेक्ट बनाया फिर दूसरा छोटा बनाया तो एक से ऑब्जेक्ट में ऐसे लाइन करके बताता है अपन को, ऐसे अपन इसका ब्लेंड का भी यूज़ करके बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट अपन को सिलेक्ट करना होगा, जैसे अब मैं इधर का लेता हूँ नॉर्थ साइड के सामने का फेस, फिर मैं एक पिकअप प्लेन सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद में एक जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे ट्राईपोड जैसा
बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, अपन छोटा भी बना सकते हैं पहले, ऐसा स्पेसिफिक होता नहीं है। फिर मेरे को अगर इसके अंदर एक और बनाना है तो एक और बना सकते हैं, अगर मैं एक और नहीं बनाऊँगा तो ये होल हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा। अगर इसको बनाने के बाद इसके डेप 4 फीट ही है दोनों की, मैं राइट क्लिक करूँगा इस तरीके से, ये लाइन का यूज़ है, सेम वही यूज़ है जो अपन ने अभी पढ़ा है, जो चारों अपन ने यूज़ करे हैं वही यूज़ है, पर ये सॉलिड पर वर्क करेगा, वो 2D को 3D में कन्वर्ट करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वॉइड ब्लेंड का यूज़। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अपन दूसरा अपन कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद अपन इस पर टेप करता हूँ, वापस से इसके अंदर जाऊँगा क्रिएट पे जाके, वही अपन जैसे ये यूज़ करते थे रिवॉल्व, जहाँ मैंने आपको बताया था 3D में कन्वर्ट कर देगा, वॉइड शेप ये भी मैंने आपको बताया था रेफरेंस लाइन के थ्रू ये कन्वर्ट कर देगा ये पूरे ऑब्जेक्ट को, और वॉइड शेप प्लेन ये वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इन सबको सिलेक्ट करना है, सेटअप प्लेन करना है और पिकअप प्लेन करके जिस ऑब्जेक्ट पे अपन को बनाना है वो बना सकते हैं। बाउंड्री लाइन ले लिए, इसको अपन को जो एडिट करेंगे अपन वो इसमें एडिट हो जाएगा, जिस तरीके से जहाँ भी जो भी एडिट करेंगे अपन उस तरीके से एडिट हो जाएगा जब भी अपन को एडिट करना है। ये देखिए इस तरीके से ये इसने अंदर में होलो कर दिया, क्योंकि एक्सेस के थ्रू बनता है, मैंने पहले एक्सेस नहीं लिया था ये मैंने। आप इस तरीके से आप पूरा ये ट्राई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना बना के। आपको 3D आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि इन सब टूल का यूज़ करके रेलिंग कैसे बनाएंगे अपन घर के, जो रेलिंग होती है वो रेलिंग कैसे बनाना है, बालकनी में अपन जैसे बनाएंगे उसमें अपन फ्लोर बनाएंगे और रेलिंग बना के मैं बताऊँगा। अभी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आप इसमें आके पूरे कंपोनेंट में आके पहले सबसे पहले जो कंपोनेंट है उसे पूरा पढ़ लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया एक्सट्रूजन ब्लेंड रिवॉल्व स्वीप और ये स्वीप ब्लेंड, उसके बाद वॉइड में आके सेम यूज़ है पर उसको अपन को सॉलिड में आके यूज़ करना है। बाकी जो आप ये पढ़ ले समझ आ जाएगा तो आप इस पर इजली अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट सेम ही यूज़ होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यार सॉरी अगर क्वालिटी में अगर वीडियो का इशू आता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाइट में शूट करता हूँ वीडियो, और जैसे मैं अभी वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे कल कॉलेज भी जाना है, मैं इसलिए वो दो ऑप्शन वो नहीं बता रहा हूँ, वो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको यूज़ करना है, पहले मैं आपको समझ चुका हूँ। इसलिए अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्वालिटी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।